नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 9 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पे, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो चलिए समय ना गंवाते हुए आज की वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्वेश्चन आपका प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है, देयर इज नो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ऑप्शन फर्स्ट आपका लिसनर्स इन्वॉल्वमेंट, सेकेंड ऑप्शन है आपका वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, थर्ड ऑप्शन है आपका पॉलिटिकल यूज ऑफ ग्रेपवाइन, एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए, सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला है सेकेंड ऑप्शन पे, यानी 81% लोग कह रहे हैं सूचना का एक तरफा अंतरण ऑप्शन जो है वही सही है। तो देखिए, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस पर। देखिए, आपको पता होगा कि जब कम्युनिकेशन संप्रेषण की प्रक्रिया चलती है तो उसमें तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला आपका सेंडर, सेकेंड होता है आपका रिसीवर, एंड थर्ड होता है आपका मीडियम, यानी जिसकी सहायता से आप मैसेज रिसीवर तक, यानी कि सेंडर रिसीवर तक अपना मैसेज भेजता है। यानी तीन चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती है, एक जिसकी सहायता से भेजता है मैसेज, और एक होता है भेजने वाला, और एक होता है रिसीव करने वाला। इन तीनों के बीच में ही संप्रेषण की प्रक्रिया चलती है। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन फर्स्ट, श्रोता की भागीदारी, यानी कि रिसीवर। तो रिसीवर इम्पॉर्टेंट है, यानी संप्रेषण के सिद्धांत का इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आपका रिसीवर। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है यह है, प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत, तो यानी कि हमें नहीं खोजना है, कौन सा नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है आपका सूचना का एक तरफा अंतरण, यानी कि अगर कोई मैसेज भेज रहा है, सेंडर मैसेज भेज रहा है और रिसीव करने वाला कोई नहीं है, तो क्या कम्युनिकेशन चलेगा। हमने बताया कम्युनिकेशन का प्रोसेस की तीन एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जब इसमें रिसीवर है ही नहीं, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ही नहीं, तो फिर अगर आपके पास सेंड करने का टेक्निक भी हो, आपके पास मैसेज भी हो, तो भी रिसीव नहीं होगा, तो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा और वह सिद्धांत नहीं होगा कम्युनिकेशन प्रभावी संप्रेषण का। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, यानी नहीं है, यह है आपका सेकेंड ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन और है, ग्रेपवाइन का राजनीतिक उपयोग, यानी कि पॉलिटिकल यूज ऑफ ग्रेपवाइन। तो देखिए, ग्रेपवाइन संचार के बारे में हम बता देते हैं, यह अनौपचारिक संचार है, जो एक संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी निर्धारित नियमों का पालन नहीं करता है, यानी कि नियम कानून का ये पालन नहीं करता है, और यह कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत होता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति आते हैं उसके बीच में कम्युनिकेशन करने का कार्य करता है ग्रेपवाइन। लेकिन यह जो होता है यह अनौपचारिक तरह का कम्युनिकेशन का रूप है, और यह जो है कोई नियम नहीं मानता है, कोई लॉ नहीं मानता है कम्युनिकेशन का। तो देखिए, यह हो गया आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। देखिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा नंबर सीरीज का, एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही, गारंटी है। देखिए, आपके पास नंबर्स है, एंड नेक्स्ट नंबर आपको यहाँ पे लाना है, और ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, और सबसे ज़्यादा रिस्पांस मिला है 75 पे, यानी कि सेकेंड ऑप्शन पे। तो देखिए, जो भी क्वेश्चन हम देते हैं उसको करके ज़रूर चेक करिए, ऐसे ही ना आप आंसर दे दीजिए, ऐसे ना ही क्लिक कर दीजिए, आप ज़रूर उसको एक बार करिए, वीडियो पॉज करिए, अपने करिए, हमें फिर जो हमारे साथ आप बने हैं फिर हमारे वीडियो पे आइए, चेक करिए कि क्या वही क्वेश्चन का रिजल्ट निकल रहा है जो आपका निकल रहा है। तो देखिए, प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, या यहाँ पे 73 और 78 भी होगा। देखिए, यहाँ पे 2 है, 5 है, 9 है, 19 है, 37 है। तो सबसे बार बार हम यही चीज़ रिपीट करते हैं कि देखिए, आप डिजिट के बीच का गैप पहचानिएगा, डिजिट के बीच का गैप, अगर 3 डिजिट के बीच का गैप आप पहचान लिए तो उसके बाद आप तुरंत जो सीरीज का क्रम बढ़ रहा है आगे,
उसको पहचान लेंगे, उसको क्रैक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे टू है, टू के पास फाइव है, यानी कि हमारे पास टू है, फाइव है, नाइन है, 19 है एंड 37 है, यानी कि आगे का हमें ज्ञात करना है। तो देखिए टू प्लस अगर देखें टू, ओके यानी फोर हुआ, प्लस वन हम करते हैं कितना आ गया फाइव, ओके तो फाइव प्लस फाइव 10 हुआ, यहाँ पे 9 है तो माइनस 1 कर दिए। अब ये क्या हो गया आपके पास आ गया यहाँ पे 9, तो एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। तो फिर जब 37 का हम डबल करेंगे, 37 प्लस 37 ओके, तो ये आपका हो जाएगा 74, और लास्ट में प्लस 1 करेंगे तो 75 आ जाएगा। ओके ऐसे इसको चेक कर लेंगे, तो ये यहाँ पे 84% लोग करेक्ट हैं। देखिए इसका सेकेंड ऑप्शन एक और है लगाने का, ओके यानी दो माध्यम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो प्लस प्लस हम कर रहे थे, एक आएगा आपका 2 × 2 ओके प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा आपका 5, ओके 5 × 2 माइनस 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 9, ओके तो देखिए प्लस हुआ या आपका इंटू यहाँ पे कर दिए वो सेम रिजल्ट आ रहा है। ओके तो यहाँ पे इसके दो टाइप से रिजल्ट निकाल सकते हैं, इसलिए हम दोनों टाइप से कर लिए ताकि आप अगर किसी भी मेथड से सॉल्व किए हों आप पहचान जाएं कि दोनों मेथड करेक्ट होगा। ओके कोई बात नहीं, रिजल्ट करेक्ट आना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? ओके द टीचर इज प्राइमरली अकाउंटेबल टू होम। ओके फर्स्ट आपका गवर्नमेंट, सेकेंड है प्रिंसिपल, थर्ड ऑप्शन है पेरेंट्स एंड फोर्थ ऑप्शन है सोसाइटी एंड स्टूडेंट। तो देखिए 95% लोग कह रहे हैं समाज एवं छात्रों के प्रति, तो बिल्कुल इस पर डिस्कस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इस पर डिस्कस हम करेंगे। देखिए एजुकेशन जब होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें रोल निभाता है स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए ही, छात्र के लिए ही पूरा का पूरा एजुकेशन की प्रक्रिया चलती है। ओके सेंटर जो है स्टूडेंट है, तो सबसे पहला अगर जवाबदेही आता है तो वो आता है स्टूडेंट के प्रति, और सेकेंड आता है अगर स्टूडेंट सक्सेस होता है, ओके तो अच्छी बात है, समाज के लिए आपने बहुत बढ़िया काम किया। एंड सेकेंड अनसक्सेसफुल होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो जवाबदेही आपकी बनती है। तो छात्र का सीखना या ना सीखना, इसके लिए जवाबदेही टीचर की ही ऑलवेज आती है। एंड सेकेंड अगर सोसाइटी में स्टूडेंट अच्छा या बुरा कर रहा है तो भी जिम्मेदारी टीचर की आती है, अच्छा किया तो बिल्कुल आपका एप्रिसिएशन है, आपने अच्छा काम किया कि बच्चे को अच्छा तैयार किया। और कोई अगर दिक्कत आता है, सोसाइटी में कोई बच्चा दिक्कत कर रहा है तो बिल्कुल वो भी आपका जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। अगर देखिए स्टूडेंट का हम किस लिए, स्टूडेंट को हम किस लिए प्रिपेयर करते हैं, ताकि वो समाज में जब जाए तो समाज के लिए कुछ काम करे। बिल्कुल अगर कुछ भी वो करता है बड़ा होकर आगे इन फ्यूचर, तो वो सोसाइटी के लिए ही इफ़ेक्ट करता है कहीं ना कहीं। अगर इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, टीचर बनता है, तो क्या करता है, वो सोसाइटी के लिए बेहतर काम करता है। ओके और अगर वो कुछ नहीं बनता है, कुछ क्रिमिनल बनता है या कोई चीज़ और बनता है, तो जवाबदेही तो तय होगी। देखिए हम ये बहुत ही विस्तृत यानी ब्रॉड तरह का एग्जांपल आपको दे रहे हैं। ओके यहाँ पे हम छोटा सा एग्जांपल दे सकते थे, लेकिन हम काफ़ी बड़ा एग्जांपल दे रहे हैं क्योंकि पीजी लेवल के आप स्टूडेंट हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल देना बेहतर नहीं, हम काफ़ी ब्रॉड एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं इसीलिए। तो देखिए बिल्कुल समाज, समाज की जो नीड होती है हम वैसे स्टूडेंट तैयार भी करते हैं। तो समाज और छात्र बिल्कुल बार बार आएगा यहाँ पे। एक अध्यापक का जो मुख्य रूप से जवाबदेही होता है वह समाज और छात्रों के प्रति होता है, ये सार्वभौमिक है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है विश्व के लिए नए सिद्धांत की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करना किसके अंतर्गत आएगा? ओके अंडर होम विल ट्राई टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द न्यू थ्योरी इन द वर्ल्ड। फर्स्ट है आपका तथ्य यानी कि फैक्ट, सेकेंड है आपका इंडक्टिव यानी कि आगमनात्मक, थर्ड है आपका डिडक्टिव यानी कि निगमनात्मक, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका ऊपर के सभी। यानी कि फैक्ट आपका इंडक्टिव डिडक्टिव तीनों सही होगा, ये चौथा ऑप्शन आपको बता रहा है। तो देखिए जब बात होगी विश्व के लिए नए सिद्धांत की जानकारी, तो
यानी कि आप किसी न्यू लॉ ओके या न्यू थ्योरी आप बनाएंगे ओके या कोशिश कर रहे हैं, तो यह ऑलवेज आता है आपका बिल्कुल यहाँ पे 82% लोग करेक्ट हैं, वो हैं इंडक्टिव आगमनात्मक। देखिए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है किसमें, इंडक्टिव में, यानी कि हम किधर जाते हैं, हम इंडक्टिव में नोन टू अननोन जाते हैं, यानी ज्ञात से अज्ञात जाते हैं। इजीली है, ज्ञात से अज्ञात का मतलब ये है कि आप कुछ देख रहे हैं, कुछ चीज़ें हलचल आपके सामने हो रही हैं ओके, लेकिन उसके बारे में आपको कुछ नॉलेज नहीं है ओके, यानी कि आपको पता तो है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं ओके। ऊपर से कोई चीज़ अगर पत्ते गिर रहे हैं पेड़ से, तो आपको ये पता है कि ऊपर से नीचे की तरफ हर चीज़ें गिर रही हैं, लेकिन यह नहीं पता है कि क्यों गिर रही हैं, वो चीज़ अननोन है ओके। तो जब हम उसको जान लेते हैं तो वह क्या होता है, हम एक नियम एक सिद्धांत बना लेते हैं जब हमें कुछ नहीं पता होता उसके बारे में, तो यह आपका नोन टू अननोन होता है। फिर आपका एग्जाम्पल टू रूल हो जाता है ओके। एग्जाम्पल टू रूल मतलब हमारे पास बहुत सारे ओके चीज़ें दिखती हैं एग्जाम्पल के रूप में, उसके बाद हम उसी के आधार पे एक रूल सेट कर देते हैं, और वो रूल सार्वभौमिक होती है ओके, जनरलाइज्ड होती है, सब पे वही रूल हम फॉलो मतलब उसको लागू किया जा सकता है चाहे विश्व में कहीं पे भी, यानी कि उदाहरण से नियम की तरफ हम जाते हैं। फिर आता है स्पेसिफिक टू जनरल, यानी विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाते हैं। देखिए आप कहेंगे जब ज्ञात से अज्ञात जाते हैं तो विशिष्ट से सामान्य कैसे, तो देखिए ज्ञात से अज्ञात तो हमने आपको बताया, विशिष्ट का मतलब अगर पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं आप देख तो रहे हैं, लेकिन यह विशिष्ट प्रक्रिया है ओके, ये विशिष्ट हम बोलेंगे इसको, क्योंकि ऊपर से नीचे हर चीज़ें गिरती आपको दिखती है, तो हमारे दिमाग में चलता है और यह विशिष्ट हो जाता है। और विशिष्ट से सामान्य जब हम कोई रूल जान लेते हैं ओके, सिद्धांत निकाल लेते हैं, तो वो प्रक्रिया जो गिर रही वो हमारे लिए सामान्य हो जाती है। यानी हमने देखा कि अर्थ में आपका ग्रेविटी है, ज़मीन में आपका, धरती में आपका गुरुत्वाकर्षण है, इसीलिए सब चीज़ें गिर रही हैं, तो यह रूल हमारे पास आ गया और यह रूल पूरे यूनिवर्स में सार्वभौमिक होगा, हर जगह लागू होगा ओके। तो देखिए अगर इसको एक हम लाइन में कहें, तो देखिए हम इंडक्टिव को कहेंगे कि हम वास्तव में एक एक कर कुछ उदाहरणों का एग्जाम्पल्स का निरीक्षण करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, और उन जो उदाहरण हैं उन्हीं में से एक ही तरह की बात हम निकालते हैं। अगर उन उदाहरणों में एक ही तरह की बातें पाई जाती हैं, निष्कर्ष उदाहरणों में से एक समान निकलता है, तो उसी के आधार पर हम एक सामान्य रूप से कोई एक व्यापक निष्कर्ष निकाल लेते हैं ओके। कोई एक सामान्य रूप से हम व्यापक निष्कर्ष निकाल लेते हैं जो हर जगह लागू होगा। जैसे एग्जाम्पल दें कि जेम्स वाट का, जेम्स वाट की कहानी अगर आपको पता होगा, तो जेम्स वाट ने देखा कि बाप जो रखा हुआ था फ्लेम पे ओके, फ्लेम पे एक पानी का जो था कोई भगौने जो बोलते हैं ओके, बकेट टाइप में कोई चीज़ रखा था, तो उसमें जब फ्लेम पे वो रखा था तो पानी बहुत तेज़ से बॉयल हो रहा था, और उसके ऊपर प्लेट था, प्लेट बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। जेम्स वाट के दिमाग में चला कि ये हो क्या रहा है, तो उसके समय वो चीज़ें क्या थी, वो ज्ञात चीज़ें थी, लेकिन क्यों हो रहा है वो चीज़ें अज्ञात थी। अब जेम्स वाट ने हर चीज़ें लगाई, उसके बाद ज्ञान लगाया, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाप जो है उसमें बहुत प्रेशर मतलब शक्ति होती है, और उसी के आधार पे उन्होंने रेल का इंजन जो चलता था भाप पे, उसी के आधार पे उन्होंने बनाया। तो क्या है, यही आपका ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं ओके, उदाहरण से नियम की तरफ हम जाते हैं, विशिष्ट से हम सामान्य की तरफ जाते हैं। तो ये सब बहुत एग्जाम्पल अब हो जाएगा, इससे आप अब फर्स्ट एड हो जाएंगे। अब क्वेश्चन छोड़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं, यानी कि आपके पास आया इंडक्टिव आगमनात्मक में हम कहाँ जाते हैं, हम नए नए सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। डिडक्टिव में क्या होता है, डिडक्टिव सिंपल रूप से जानिए, हम सिद्धांत हमारे पास डिडक्टिव में होता है, जैसे ये सिद्धांत बन गया, इसी सिद्धांत के आधार पर हम नए नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। यानी अगर आपके पास पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत है, उस प्रमेय के सिद्धांत पे आप उसी के आधार पे नए नए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही सिद्धांत जब आपके सामने होता है, रूल आपके सामने होता है, उसी के आधार पे आप अन्य क्रियाओं में समाधान ढूंढ लेते हैं।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आपका ब्लड ब्लड रिलेशन का। ओके, क्वेश्चन है, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय दिया, वह उसके अंकल के पिता की बेटी का लड़का है, तो लड़की की लड़की का लड़के से रिश्ता क्या हुआ। ओके, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास चार था और सबसे ज़्यादा लोग अपना रिस्पांस दिए हैं फोर्थ ऑप्शन पे, यानी भाई पे। तो देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आते हैं, 100% आते हैं, और इसको सॉल्व करने का देखिए सबसे इजी तरीका ये है कि जो भी लाइनें में लाइन जो दी गई हैं, इसमें जो भी चीज़ दिए जा रहे हैं उसको सबसे पहले आप लिख लिया करिए। ओके, देखिए बहुत लोग अच्छे होते हैं, उनका आईक्यू बहुत अच्छा होता है, और इसमें सबसे ज़्यादा लेडीज़ का, फीमेल जो होती हैं, ओके, वो लोग बहुत तेज़ी से रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हैं। तो देखिए उनका ट्रिक बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर जिसको नहीं पता है उसको हम बता रहे हैं कि देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे आपको दिखे कि लड़की ने लड़के का परिचय दिया, तो आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ करना है कि यहाँ पे लड़का कर देना है, बॉयज़, ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे गर्ल्स कर देना है। तो इसने परिचय इसका दिया और फिर लड़की बोले देखिए यहाँ पे लड़का है और यहाँ पे गर्ल्स है। अब गर्ल्स बोल रही है कि वह उसके अंकल के पिता, यानी कह रही है, लड़की खुद कह रही है कि यह मेरे अंकल के पिता, तो लड़की के अंकल हो गए, ओके, फिर अंकल के पिता, फिर अंकल के पिताजी यहाँ पे हो गए, ओके, फादर हो गए अंकल जी के यहाँ पे, फिर उनकी बेटी का लड़का, फिर यहाँ पे इनकी बेटी हैं ये, ओके, यानी इनकी डॉटर हो गई, और फिर डॉटर का ये लड़के हो गए। अब यहाँ पे जब संबंध आप निकालेंगे, लड़की से ये कौन हो गए, अंकल हो गए, अंकल के फादर कौन हो गए, इनके बाबा जी हो गए, उसके बाद इनके बाबा जी की बेटी इनकी फुआ जी हो गई, और फुआ जी का बेटा कौन हो गया, इनका भाई लगा, ओके, तो यहाँ पे भाई ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए कितनी आसानी तरीके से आप साइकिल बनाएं और फटाफट आपका रिजल्ट निकल गया। ओके, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 177 है, कौन सी व्यवस्था दूरस्थ पद्धति के माध्यम से अध्यापक शिक्षा प्रदान करने की प्रभावी परिपूरक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इन इफेक्टिव सप्लीमेंट फॉर प्रोवाइडिंग टीचर एजुकेशन थॉट डिस्टेंस मोड। ओके, देखिए ये नेट 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। फर्स्ट ऑप्शन है एडुसेट, सेकेंड आपका स्मार्ट क्लास, थर्ड ऑप्शन आपका वर्चुअल यूनिवर्सिटी, फोर्थ ऑप्शन आपका मूक। ओके, तो यहाँ पे सबसे हम चीज़ें बता दें कि यहाँ पे मैक्सिमम रिस्पांस मिल रहा है मूक पे। ओके, तो देखिए मूक है क्या, इसको हम बताएंगे। उसके बाद देखिए इसमें एक चीज़ आता है एडुसेट, ओके, इसको भी हम बताएंगे, फिर पहुंचेंगे कि क्या 78% लोग यहाँ पे करेक्ट हैं। तो देखिए एडुसेट है क्या, देखिए जी सेट, ओके, जी एस ए टी, जी सेट थ्री को हम एडुसेट के नाम से जानते हैं, पहले ये जान लीजिए। और पाठशाला स्तर से उच्च स्तर की शिक्षा तक के लिए पहला शिक्षा उपग्रह है, ओके, ये सेटेलाइट है जो एमएचआरडी इग्नू और इसरो की सहयोगी परियोजना थी, जो कि डिस्टेंस एजुकेशन के लिए, यानी कि दूरस्थ शिक्षा के लिए बनाई गई सेटेलाइट थी। ओके, तो यह एडुसेट हो गया। अब आते हैं हम मूक पे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कौन सी व्यवस्था दूरस्थ पद्धति से के माध्यम से अध्यापक शिक्षा प्रदान करने का प्रभावी परिपूरक है। तो प्रभावी परिपूरक में मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ओके, यहाँ पे 78% लोग ये कह रहे हैं। तो देखिए मैसिव के अंतर्गत क्या आता है, यानी कि बहुत सारे अनगिनत ओके स्टूडेंट एक कोर्स को, यानी एक साथ कोर्स को कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ओके, और ओपन का मतलब होता है कोई भी कहीं से भी, उसका ऑनलाइन का मतलब होता है, मतलब कि जो आप ऑनलाइन माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, ओके, और कोर्स का मतलब होता है पाठ्यक्रम, वो तो आपका पता ही होगा। तो देखिए ये आपका मूक हो गया, ओके, एडुसेट सेटेलाइट है, एंड यहाँ पे मूक जो हुआ यही आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, ओके, यानी बहुत सारे अनगिनत स्टूडेंट, ओके, एक साथ ऑनलाइन के माध्यम से इस कोर्स में दाखिला ले सकते हैं, ओके, और इंटरनेट के माध्यम से अपना
स्टडी पूरा कर सकते हैं। तो जो मोक है यही आपका यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा, और मोक का स्टार्ट जो हुआ, प्रारंभ हुआ, ये 2008 में हुआ था। ओके, मोक का प्रारंभ 2008 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अब आता है ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 178। कहा जा रहा है किस संचार का क्षेत्र व्यापक होता है, विच एरिया ऑफ कम्युनिकेशन इज वाइड। फर्स्ट है आपका वर्बल, सेकेंड है आपका नॉन वर्बल, थर्ड ऑप्शन है आपका बोथ ऑफ द एबव यानी कि दोनों, एंड यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है आपका नॉन ऑफ द एबव यानी इसमें से दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए किस संचार का क्षेत्र व्यापक है, तो थोड़ा सा डिस्कस करना यहाँ पे बनता है फ्रेंड्स। देखिए व्यापक की जब बात होता है तो देखिए आपके पास दो टाइप के मेन कम्युनिकेशन होते हैं, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। ओके, अब वर्बल में क्या होता है, वर्बल में आता है आपका भाषा जो आप बोल रहे हैं। ओके, चाहे वो बोल रहे हैं और चाहे वो लिखित है। तो देखिए भाषा का मतलब होता है कि भाषा एक बंधन में घिरी हुई होती है, एक भाषा का क्राइटेरिया होता है। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ लोग हिंदी समझते हैं, कुछ लोग इंग्लिश समझते हैं, कुछ लोग उर्दू समझते हैं, कुछ पंजाबी समझते हैं, कुछ मराठी समझते हैं, कुछ लोग मतलब बहुत अलग अलग कंट्री के, कुछ लोग स्पेनिश समझते हैं। ऐसे अलग अलग लोग हैं जो अपनी अपनी भाषा को समझते हैं। लेकिन क्या अगर आपको कहा जाए कि इस जो रोड पे लाइट है रेड कलर की जल रही है, इसको हर कंट्री में लागू किया जाता है कि रेड तरह की लाइट अगर जलती है तो गाड़ी आपको रोक देना है। ओके, जब ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो गाड़ी आपको बढ़ाना है। तो क्या हुआ, यानी कि बिना बोले अगर सिर्फ सिग्नल मिल रहा है तो वो आ रहा है नॉन वर्बल में। ओके, बिना बोले हुए। तो यह आपका जो प्रतीक हुआ ये हर जगह आप पूरे विश्व में समझ सकते हैं, इस कम्युनिकेशन को आप समझ सकते हैं कि आपसे कहा जा रहा है कि गाड़ी रोकना है, आपसे कहा जा रहा है कि गाड़ी चला दीजिए। तो ना बोलते हुए भी यह आपका व्यापक हुआ, बहुत बड़ा हुआ, बहुत प्राड हुआ। लेकिन जो लैंग्वेज हो गया, चाहे लिख रहे हैं आप, उसको समझने वाला आपकी भाषा को जानता हो तभी समझ पाएगा। ओके, और यह आपका न समझते हुए भी आपके साइन से वो समझ सकता है। मान लीजिए आपको भूख लगा है, अपने हाथों से अगर आप किसी को दिखा रहे हैं किसी भी कंट्री में जाएं, तो वो व्यक्ति समझ सकता है कि मुंह की तरफ हाथ ले जा रहे हैं, साइन दे रहे हैं, तो कुछ खाने के लिए कह रहे हैं। ओके, तो यह कम्युनिकेशन ब्रॉड होता है, बहुत व्यापक होता है। नॉन वर्बल बहुत व्यापक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, 73% लोग कह रहे हैं नॉन वर्बल, तो बिल्कुल यही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अनुसंधान में संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण महत्वपूर्ण क्यों है। ओके, व्हाई द सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर इन रिसर्च इज इम्पॉर्टेंट। ऑप्शन फर्स्ट है संबंधित शोध में कितना काम हो चुका है, सेकेंड संबंधित शोध क्षेत्र में क्या बाकी है, थर्ड ऑप्शन आपका समस्या के सार्थकता को इंगित करता है, एंड फोर्थ ऑप्शन है ऊपर के सभी। तो देखिए 88% लोग यहाँ पे करेक्ट कह रहे हैं, यानी कि तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है मान रहे हैं। उसके बाद 4% लोग तीनों ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। तो यानी 88% लोग अगर करेक्ट कह रहे हैं तो बिल्कुल यही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, देखिए साहित्य का सर्वेक्षण शोध में क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके, तो देखिए अगर आप रिसर्च करने जाते हैं तो संबंधित शोध का, ओके, आप स्टडी जब करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो आपको पता चलता है कि शोध में क्या हो चुका है, क्या कार्य उस क्षेत्र में उस शोध से संबंधित क्या क्या काम पूरा हो चुका है और किस काम को बाकी है करना। ओके, और समस्या भी आपको पता चलती है, समस्या की सार्थकता यानी जो समस्या आप लेके जा रहे हैं उसकी सार्थकता पता चलती है कि आपको करना चाहिए ओके या नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो करने जा रहे हैं वो काम हो चुका हो, वो आप रिपीट कर रहे हो। ओके, तो अगर आप कुछ करें तो बेहतर करें, रिसर्च करें जो निकल के आए सभी के लिए, पता चले कि आपके दूसरे ही प्रदेश में उस चीज़ों पे रिसर्च हो चुका हो, रिजल्ट निकल चुके हों और आपको पता ही ना हो, और उसी पे आप फिर रिसर्च करके उसी चीज़ को दोहरा रहे हों। ओके, तो इसमें क्या होता है, रिसर्च भी आपका बेकार जाता है, समय भी खराब होता है और नई चीज़ें फैक्ट कुछ निकल के नहीं आती हैं। ओके, तो यही चीज़ें आपका है कि जब अगर आप शोध करना चाहते हैं या करने जाते हैं तो देखिए हर उन चीज़ों को देखिए। ओके,
जहाँ पे उस शो से संबंधित चीज़ें आपको मिले, ओके, चाहे लाइब्रेरी हो, ओके, चाहे आपके आर्टिकल्स हो, और चाहे कोई पुराने बुक जो शो से संबंधित हो उनको आपको देखना चाहिए, ओके, वहाँ से आपको इन सभी चीज़ों को, ओके, एक सार्थकता मिलती है कि आपकी समस्या जो है बेहतर है कि नहीं बेहतर है, उस पर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, रिपीट तो नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें आपके साहित्य का सर्वेक्षण में इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, ये बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा, इसको आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, ओके। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायोगिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता किस शोध को प्रभावित करता है? अफेक्ट्स द रिसर्चर रिसर्च, फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर, सेकेंड ऑप्शन है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि आश्रित चर, थर्ड है आपका एक्स्ट्रानियस वेरिएबल यानी कि व्यवहित सर या चर या कंट्रोल वेरिएबल हम कह सकते हैं इसको, ओके, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका टाइप ई एंड टाइप एस वेरिएबल। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्पांस मिला है 70% इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो देखिए यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि 70% लोग यहाँ पे गलत हो गए, ओके। सबसे ज़्यादा ऑप्शन जो सटीक था, करेक्ट था, वो था आपका एक्स्ट्रानियस वेरिएबल। तो बिल्कुल 20% लोग यहाँ पे करेक्ट हैं। क्यों? देखिए हम कह रहे हैं कि अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता के शोध को प्रभावित करता है, ओके। अब ये प्रभावित करने का मतलब क्या है? प्रभावित करने का मतलब कि वह शोध को प्रभावित कर रहा है यानी कि डिस्टर्ब कर रहा है आपके शोध को। तो डिस्टर्ब कौन करता है? जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आप करते हैं तो आपके पास एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं और उसको मापते हैं कि जो आपका स्वतंत्र चर है वह आश्रित चर पे क्या प्रभाव छोड़ रहा है, पॉजिटिव छोड़ रहा है, निगेटिव छोड़ रहा है, हर चीज़ें हम चेक करते हैं। तो जब आपका एक्स्ट्रानियस यानी कि जो व्यवहित वेरिएबल है यानी कि चर है, ओके, वो बाहरी चर है, वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे प्रभाव डालता है, ओके, तो क्या होता है, स्वतंत्र चर का प्रभाव हम सही से नहीं माप पाते हैं क्योंकि एक एक्स्ट्रा चर का इफेक्ट पड़ जाता है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो फिर आप रियल इफेक्ट नहीं देख पाएंगे स्वतंत्र चर का। तो यह इफेक्ट कर रहा है, देखिए अगर हम सार्थक इफेक्ट की बातें करते तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन हम प्रभावित करने का बात कर रहे हैं, प्रभावित मतलब आपके शोध में ईरर पैदा कर रहा है, आपके शोध को सही से जा रहा है आपका शोध, उसको बीच में प्रभावित कर रहा है, ओके, तो यहाँ पे आपका एक्स्ट्रानियस वेरिएबल ही आएगा। और देखिए टाइप ई एंड टाइप एस क्या है, देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ही ये पार्ट हैं, टाइप ई एंड टाइप एस टाइप के वेरिएबल, ओके, यानी कि कुछ क्या ई और एस हम इसको अच्छे से बता देंगे और हमारे चैनल पे है, उसको देखिएगा अगर इसके बारे में डिटेल जानकारी लेना हो तो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक्स्ट्रानियस वेरिएबल इज करेक्ट, 20% लोग यहाँ पे करेक्ट होते हैं, ओके। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और आशा करते हैं आज की वीडियो से जरूर आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिला होगा। और चलिए जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।